भारत के संविधान के प्रति। नमस्कार। भगवंत मान के रूप में पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। बुधवार को भगवंत मान ने सीएम पद की शपथ ली और एक नया पंजाब बनाने का संकल्प भी लिया। इसी बीच मान ने सख्त रुख अपनाते हुए एक ऐसा एक्शन ले लिया है जिससे 57 पूर्व मंत्रियों और विधायकों पर गाज गिर गई है। इन मंत्रियों में नवजोत सिंह सिद्धू और सुखबीर बादल का नाम भी शामिल है। जी हाँ, दरअसल पंजाब की मान सरकार ने 57 पूर्व मंत्रियों और विधायकों को सरकारी बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके लिए सरकार ने 26 मार्च तक का वक्त दिया है। इन पूर्व मंत्रियों से कह दिया गया है कि अगर तय समय पर आवास खाली नहीं किया गया तो फिर कई गुना किराया देना होगा। आपको बता दें, मान ने यह फैसला सीएम पद की शपथ लेने से थोड़ी ही देर पहले लिया था। यही वजह है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब पंजाब का निजाम बदल रहा है। भगवंत मान ने नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाना शुरू कर दिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आपको बता दें, पिछली सरकार में 17 पूर्व मंत्री और 40 पूर्व विधायकों को सरकारी आवास और बंगले आवंटित हुए थे। अब क्योंकि सरकार बदल गई है तो उन्हें नियम के मुताबिक इन्हें खाली करना ही होगा। जिन नेताओं को अल्टीमेटम दिया गया है उनमें पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम भी शामिल है। सरकारी आवास खाली करने के लिए 26 मार्च तक का वक्त दिया गया है। आपको बताते चले, पंजाब में सत्ता या विपक्ष में रहने वाले मंत्री और विधायकों को चंडीगढ़ में सरकारी आवास आवंटित किए जाते हैं। सत्ता से बाहर होने या फिर विधायक नहीं बनने की स्थिति में आवंटित आवासों को 15 दिन के भीतर खाली करना होता है। बहरहाल, भगवंत मान के इन तेवरों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। जाते जाते आपको भगवंत मान का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में दिया। बोले सो निहाल, भारत माता की। आज इस पवित्र स्थान दे उत्ते पंजाब दे कोने कोने चो भगत सिंह होरां दे जद्दी पिंड उन्हां दे दर्शन करन आए हो और सौ चुक समागम दे विच तुसीं शामिल होए हो। मैं तुहाडा बहुत बहुत तहे दिल तो धन्नवाद करदा। मेरे खब्बे पासे दिल्ली दी कैबिनेट बैठी है, मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी मुख्यमंत्री साहब, साडे सारे मंत्री साहिबान, ते मेरे सज्जे पासे वह 99 बैठे ने जिन्हां ने बहुत वड्डियां जित्तां प्राप्त कीतियां। एक बारी ताड़ियां नाल स्वागत किया जाए। वीरो, इत्थे आउण दी एक खास वजह है। पहला सौ चुक समागम महिला च, क्रिकेट स्टेडियम च, जां राजभवन च हुंदे सी। हुण इह सौ चुक समागम शहीदां दे पिंडां च आए ने, क्योंकि जिन्हां ने आपां नूं मुल्क लै के दित्ता है उन्हां नूं याद तां करिए। कल्ला 23 मार्च जां 28 सितंबर नूं थोड़ी याद करना, उह तां साडे दिल च बसदे आ। भगत सिंह होरी दा मत्था टेक के सकून मिलिया मेरे लिए खटखट कलां कोई नवां नहीं। मैं बहुत बार इत्थे आउंदा रहिंदा। भगत सिंह होरां ने सुपने लए सी जिहड़ी आजादी दे, उह आजादी आम घरां तक पहुँचाउण दी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तुसीं साथ दित्ता है, कई जन्म लैने पैणगे तुहाडे इस प्यार दा कर्जा उतारन लई। जिन्ना प्यार तुसीं दित्ता है किसी ने सोचा नहीं सी कि ऐं भी हो सकता है। मैं अज किसी दी निंदा चुगली नहीं करनी, मैं तुहानूं भी एक दो गल्लां कहणियां ने। हंकार नहीं करना, ये नहीं किसी घर मूहरे जाके ललकारा नहीं मारना कि असी जित गए, ये हो गया, वो हो गया, कोई गल नहीं। जिन्हां ने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईआं, आपां उन्हां दे भी मुख्यमंत्री हाँ, आपां उन्हां दी भी सरकार है। कोई गल नहीं, डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। सुकत दे कोई इस तरह की खबर ना आवे कि देखो जी ये हंकार कर गए, नहीं। हंकार का सिर नीवा हुंदा है, क्योंकि वक्त बहुत वड्डी चीज़ है, पब्लिक भी बहुत वड्डी चीज़ है। पब्लिक जदों चाहे बंदा अरश ते, पब्लिक जदों चाहे बंदा फर्श ते। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सोचा सी, उन्हां नूं ये बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आजाद किवें होगा। उन्हां नूं फिक्र इस गल दा सीगा आजादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा, और उन्हां दा डर जिहड़ा फिक्र जिहड़ा सही भी साबित होया। ज
जिन्ना हाथा च आया 70 साल तो कुछ नहीं होया। असीं तां बाहर नूं भज्जी जांदे आ, असीं तां वीजे लवा लवा के उन्हां कोल जाई जांदे जिन्हां नूं कढ़न लई शहीद आजम भगत सिंह वर्गे हजारां योधे जिहड़े ने उन्होंने फांसी के रस्से चूमे। सो आपां इत्थे ही रहना है, आपां इत्थे रह के अपना मुल्क ही ठीक करांगे, आपां अपना मुल्क ठीक करांगे, नहीं बगाने दरां ते अपने धक्के खाने। उत्थों फिर इधर नूं लियाउण वास्ते तरफी जांदे रहिंदे आ, कोई कहिंदा लाश ही मंगा दो जी। सो वीरो थोड़े नाल दे आ, थोड़े वर्गे आ, अहीं रहांगे और काम करांगे, बेरोजगारी तो लैके खेती व्यापार करप्शन स्कूल हस्पताल पौत ताणी उलझी पई है। रेह की बोरी होंगी है जी, जे उन्हू उठे पास्यों खोलन लग जाओ तो अद्धा दिन लग जाता है, जे कि एक सिरा लभ जाए इधरले पास्यों वो अधे सेकेंड च खुल जाती है। आपां इस उलझी हुई ताणी का सिरा लभांगे, सही वाला सिरा सिरा तुहाडे सहयोग नाल। शहीद आजम भगत सिंह का एक शेर, वो कहिंदे इश्क करना सबका पैदायशी हक है, इश्क करना सबका पैदायशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सर जमी को महबूब बना लिया जाए। देश की मिट्टी नूं प्यार करो, बहुत करमा वाली मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, धरती नूं मां दा दर्जा गुरु नानक साहब ने पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, तां असीं इह तिन्ने दर्जे कायम रखणे ने, कायम बनाउणे ने। तुहाडा सहयोग चाहीदा होगा, कल्ले कल्ले बंदे नूं साथ देना पऊगा। असीं साथ ही मंगिया सी, तुसीं तुहाडे तों तुसीं दित्ता। जिवें दिल्ली दे विच लोग स्कूल देखण आउंदे आ, विदेशां चों महल्ला क्लीनिक देखण आउंदे आ, बिल्कुल उसी तरह आपां पंजाब दे विच स्कूल हस्पताल इस तरह के बनावांगे कि बाहरले मुल्क वाले इत्थे आके देख के फोटो खिचा के जाया करन कि आ हैगा। तुसीं इतिहास रचता, 10 मार्च नूं पंजाबियों का नाम सुनहरी अखरां च लिखा गया और आउण वाले सालां च सिलेबस च पढ़ाया जाया करूगा कि लोकां ने बिना किसी डर तो बिना किसी लालच तो वोटां पाउणियां कदों शुरू कीतियां सी। उहदा सही उत्तर होगा 20 फरवरी 2022 ते 10 मार्च नूं उहदा रिजल्ट आ गया। सो परमात्मा तो भी यही मंगया, शहीदां दे मत्था टेक के भी यही अरदास कीती है, समत बख्शियो, बल बख्शियो, असीं तां तुहाडे पैरां दी धूड़ दा तिणका भी नहीं हैगे, असीं तां पुछदे हाँ, पर जदों पब्लिक नाल हो जाती है फिर जो मर्जी बना लो तुसीं सानूं। सो इस करके मैं अरविंद केजरीवाल जी का खास तौर पर धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने 20-20 दिन भुख हड़ताल रख के पार्टी बनाई, जिन्होंने अंदोलन दे विच्चों पार्टी लिया के देश दे मूहरे दित्ती, ते जिहड़ी पार्टी पूरे देश की राजनीति में सुधार रही। एक बार जोरदार ताड़ियां चाहूँगा मैं उनके नैशनल क्लीनर लई। मनीष सिसोदिया जी बैठे ने, सो बहुत चिर का सुपना सी कि कदे मौका मिले तो शहीद आजम दे पिंड, कोई जिम्मेवारी मिले तो शहीद आजम दे पिंड जाके मत्था टेक के उस जिम्मेवार निभाउण दा हल्फ लईए। सौं चुकी है, तुसी बहुत दूरों दूरों आए हो, बड़ी देर तो बैठे हो, तो अज ही काम शुरू हो जाऊगा, आपां कोई दिन वेस्ट नहीं करना क्योंकि अब बहुत लेट हाँ, हजे 70 साल लेट होए पए हैं आपां, अज तो ही काम शुरू होगा। तो मैं एक बार फिर कहना कि हौली आराम नाल ड्रामे नाल चलांगे, किसे नूं कोई भद्दी शब्दावली जां सोशल मीडिया ते कोई किसे नाल लड़ना नहीं, ठीक है ना। लगे लोगों को कि हाँ यार सियाने लोग आए हुए ने, सियाने ने, वधिया बंदे ने, ये देश के प्रति सोचते हैं। सो मैं आही तुहानूं बेनतियां करनियां सी। अखीर दे विच मैं एक शेर बोलूँगा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूँ कहने को तो मुर्गे के सर पर भी ताज होता है। सो तुसीं सानूं अपने दिलों च जगह दिती है,
देखो अपने दिल देखो शहीद आजम भगत सिंह होरां दी फोटो हर साल आप कैलेंडर दिवाली वाले दिन जां नवें साल वाले दिन ले आने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की श्री गुरु नानक देव जी की दसे गुरुओं की फोटो का नवा कैलेंडर ले आने हर साल क्यों लेके आने क्योंकि उन्होंने बैंकों च खाते नहीं खिलाए उन्होंने साडे दिलों च खाते खिलाए होंगे ने तो जिहड़े दिलों च खाते खुल जाते हैं ना उन्होंने फिर परमात्मा जिहड़ा आशीर्वाद दिंदा रहिंदा दोनों हाथ उपर चक्के दो नारे ला दिओ इनकलाब।